कुछ 750 रुपये का था। शर्मिला टैगोर जी साथ में थी, तो दैट वॉज अ फेयर मोमेंट, द फर्स्ट टाइम आई हैव वर्क विद एनी सेलिब्रिटी। या तो अब यू फील गुड एज एन एक्टर, तो स्टार तो एक बहुत इनकमिंग का भी लगता था पैसा उसमें है। मतलब वो दो तीन तीन साल 4 साल की उम्र से जो दोस्त बने हैं आज तक वो हैं। मगर मुझे याद है दाल बनाई थी, वो अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल, तूर दाल भी कहते हैं। जवानी के उस तरफ जा रहे होते हैं आप, तो 16-17 साल, 15-16 साल की उम्र में ही क्रश आते हैं, तो आई थिंक इट वॉज एज एन एक्टर ओनली, एज एन एक्टर। आई मीन दैट वॉज लॉन्ग बैक। या वो कुछ 750 रुपये का था, वो दैट वॉज वे बैक इन 95 आई थिंक। दैट वॉज इन 94, या इफ आई राइटली रिमेम्बर। फर्स्ट सेलिब्रिटी मूवमेंट वॉज वेन देर वॉज दिस शो आई वर्कड इन फॉर LTV, ZTV का एक चैनल का एक शो आया था, तो वो उसमें शर्मिला टैगोर जी साथ में थी, तो दैट वॉज अ फेयर मोमेंट, द फर्स्ट टाइम आई हैव वर्क विद एनी सेलिब्रिटी। या एंड नाना पाटेकर इन अगेन इन 94-95, देर वॉज दिस चिल्ड्रन फिल्म अभय, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, अनु कपूर जी ने डायरेक्ट की थी, मैंने उसमें छोटा सा किरदार किया था। या जैसे सीक्रेट है, मैं मैरिड मैन, सो उन्होंने से दैट। या ऑब्वियसली हर किसी की तरह वो उस उम्र के अंदर ही, जिस उम्र का जो उस पड़ाव से जब आप निकलते हैं, तो मोहब्बतें होती और होनी भी चाहिए, वो नेचुरल थी। फर्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस विच आई रिमेंबर वॉज इन चाइल्डहुड है। ऑब्वियसली आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, तो शायद मैं अपनी मौसी के यहाँ इंदौर दिल्ली से गया था, वो था। और उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो जन्मभूमि हुए, तो दिल्ली बॉम्बे बहुत होता था नए नए जब आप आते हो, तो या दैट्स अ एक्सपीरियंस। तो अभी तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया। हाँ मतलब वो अच्छा मोमेंट होते थे जब आप कुछ काम करते हैं और थोड़ी सी उसकी तारीफ मिल जाती है, तो यू फील गुड एज एन एक्टर, तो स्टार तो एक बहुत बड़ी बात। आई थिंक वो भी वही 94-95 वेन आई स्टार्टेड माई करियर, 95-96 आई थिंक, 95 फर्स्ट फोन, सेल फोन यू टॉकिंग, सेल फोन आई थिंक वही जब आए थे तो 99 के आसपास शायद आए थे, तभी लिया था। हाँ वही 99-2000, बड़े एक्सपेंसिव होते थे तब, वो कुछ 16 रुपये आउट गोइंग और इनकमिंग, इनकमिंग का भी लगता था पैसा उसमें। हाँ क्लबिंग, हम जब आए थे तो मुंबई में आके क्लबिंग शुरू की थी, तो अदरवाइज उस टाइम पे दिल्ली में मिडिल क्लास फैमिली से, तो इतना जाना नहीं होता था। आई थिंक वो भी 96-97 के आसपास, या लॉन्ग बैक। टू एडवेंचर एक्टिविटी, आई एम नॉट मच ऑफ एडवेंचर गाय, बट हाँ थोड़ा बहुत ट्रैकिंग वगैरह जो है करने जाते थे, दैट वॉज अगेन 96-97 में जब पहली बार किया था। बेस्ट फ्रेंड, अरे था वो तो बचपन से ही हैं। मतलब वो दो तीन तीन साल 4 साल की उम्र से जो दोस्त बने हैं आज तक वो हैं, बरकरार रखते हैं, तो वो मेरे हैं एक बचपन के मित्र हैं, अशोक मल्होत्रा, जो दिल्ली में रहते हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम मतलब मेरे से 1-2 साल बड़े हैं, तो 3 साल की उम्र का मैं था और 4-5 साल के वो थे, तो तब से मित्रता आज तक बरकरार है। किचन एक्सपीरियंस, वो अमूमन अभी दिल्ली जब आप किसी शहर में आके काम करना शुरू करते हो, और तो हमने जब शुरू करे थे करियर, तो वो दोस्त मिलके रहते थे, तो दैट वॉज अगेन 94-95, वो तब स्टोव वगैरह होते, तब तो अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ें, तो वो स्टोव में बनाते थे। हाँ तब सीखा था। मुझे याद है दाल बनाई थी, वो अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल, तूर दाल भी कहते हैं, वो बनाई थी। और चावल बॉयल करना तो हमारे मदर ने हमको बता दिया था, कि फ़ोन करके उनसे पूछा तो भैया इतना बॉयल और इतना ये सीटी, 3 सीटी लगानी है दाल की, और ऐसा तड़का लगाते हैं, तो वो वहाँ स्कूल टाइम में तो मतलब वही होता है यूजली। आप वो एग्जैक्टली याद नहीं, बट वही जब आपकी जवानी के उस तरफ जा रहे होते हैं आप, तो 16-17 साल, 15-16 साल की उम्र में ही क्रश आते हैं, तो आई थिंक नया कोई 7-8।
2009 आई गया। बहुत बहुत बढ़िया ये, और अच्छा सेगमेंट है ये, फर्स्ट टाइम लाइफ के जब एक तजुर्बे होते हैं आपको, और वो शेयर करना भी बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगता है ये सबको, आपने तो मुझसे ये सवाल पूछा, लेकिन सबको कहीं ना कहीं खुद से भी ये सवाल पूछना चाहिए, तो मेमोरी थोड़ा रिफ़्रेश रहती है कि पहली बार हमने क्या क्या कब कब किया था। थैंक यू, गॉड ब्लेस।